आगे आना चाहते हो, हमने क्या कहा था कि पेड़ की फिक्र करनी है या बीज की? बीज किसकी फिक्र करनी है? बीज की, पहले बीज की ना, बीज काफी है। बीज को कब लगाएं कब नहीं लगाएं? हाँ, कब लगाएं कब नहीं लगाएं, कब लगाओगे अभी है ना, उसी की फिक्र करोगे ना। उसके लिए माहौल तलाशें, जमीन तलाशें, धूप आनी चाहिए, पानी आना चाहिए, है ना। और फिर प्यार से उसे देखोगे भी, बीज नन्हा सा नाजुक, यही तो प्यार है बीज के प्रति। बीज की फिक्र करो, बीज की। वो बीज कहाँ से मिलेगा? अभी है हाथ में, है जेब में, हाथ डालो देखो निकला। कोई ऐसा नहीं है तुम में से जिसमें बीज ना मौजूद हो, तुम सब बीज ही हो और प्रतीक्षा कर रहे हो पेड़ बनने की। प्रतीक्षा की जरूरत नहीं है, बीज के साथ रहो, उसका स्वभाव है पेड़ बनना। बीज और पेड़ अलग अलग नहीं है, पेड़ बीज में निहित है। ये बिल्कुल मज़ेदार सवाल है कि बीज कहाँ से पाएं, या और कौन बैठा है? तुम बीज की ही तो हो और क्या हो? नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है ना। बीज का सब प्रोसेस होता है, बीज का क्या मतलब होता है? संभावना, जो कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बीज मर भी सकता है, याद रखना। और अभी मरे नहीं हो। बीज को लगाने के एक प्रोसेस होता है, क्या किस तरीके लगाएंगे तो हमारा पेड़ अच्छा हो। तो बात अभी हमारे पेड़ की नहीं है, बात अभी हम पेड़ की है। हम पेड़ है, हमें एक नॉलेज तो होना चाहिए कि हम किस वे में जाएं, किस वे में हम अपने आप को उतारें। बीज जानता है, बीज जानता है। तुम ज़्यादा नॉलेज लगाओगे बीज में तो बीज खराब हो जाएगा। मैं लगाता था, मैं बीज रोपता था और फिर उन्हें उखाड़ उखाड़ के देखता था कि जड़ भी आई कि नहीं। तो नॉलेज ज़्यादा लगा देता था, इंची टेप लेके नापता था कि कितनी लंबी जड़ है बीज की। बीज खुद जानता है उसे क्या करना है, तुम ज़्यादा होशियारी ना दिखाओ। तुम तो बस उसे लगा करके, और लगा ही हुआ है, तुम बस उखाड़ो मत उसे, तुम चालाकियाँ मत दिखाओ। बीज खुद जानता है पेड़ बनना। तुम खींच खींच के पेड़ निकालते हो क्या? बीज से तुम निकालोगे? और बीज पेड़ के अलावा कहीं और से आ सकता है? नहीं। पेड़ और बीज दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, तुम्हें इसमें दखल करने की जरूरत नहीं है। तुम तो अपने हाथ जितने पीछे रखो उतना अच्छा। जंगल में खूब उगते हैं कि नहीं? yes. आदमी जाता है और जंगल का पेड़ बाग के पेड़ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत तो ताकतवर होता है। तुम जंगल के जानवर को देखो और पालतू जानवर को देखो, कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। तुम पहाड़ की नदी को देखो और शहर की नदी को देखो, कोई तुलना है? गंगा देखिए ऋषिकेश से ऊपर कैसी है, गंगा देखिए कानपुर में कैसी है। तो तुम्हें ज़्यादा दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है, अस्तित्व तो जानता है कि उसे क्या करना है। तुम्हारा काम यही है कि तुम पीछे रहो, होने दो। इसी को अकर्ता भाव भी कहते हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं होने दे रहा हूँ। यही गीता सार है, कृष्ण ने पूरी बात जो बोली हो यही है कि तुम क्यों दिमाग खराब कर रहे हो अपना, तुम होने दो, हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तुम्हारा ये जो हाथ पांव चलाना है ज़्यादा, यही तो गड़बड़ कर रहा है। देखो आज हम क्या बोलते हैं, गंगा की सफाई करनी है। कहते तो हम ऐसे हैं जैसे कि गंगा गंदी हो और इंसान साफ करेगा। भाव देखो, हम कहते हैं हमें क्या करनी है, गंगा की सफाई। भाव हमारा क्या है, गंगा गंदी है और इंसान साफ है। और सच क्या है, सच यह है कि गंगा साफ है, इंसान ने गंदा किया है। तो तुम्हें उसे साफ नहीं करना है, तुम्हें बस गंदा करना बंद करना है। पर इंसान ये मानेगा नहीं, इंसान क्या बोलता है, मैं साफ कर रहा हूँ, हम साफ करेंगे। अब तुम साफ क्या करोगे, गंदा किसने किया है? तो तुम गंदा करना बंद कर दो, यही एहसान होगा। साफ ऑफ मत करो, साफ करना तो गंगा खुद जानती है। गंगा में अगर थोड़ी बहुत गंदगी हो ना, जो कि हर नदी में होती है, कचरा वचरा इधर उधर से आएगा ही, मछलियाँ खा लेती हैं उसको,
नदी खुद जानती है साफ़ कैसे रहना है। इंसान अगर ना हो तो नदी अपने आप को खुद साफ़ कर लेगी। ज़्यादा जो कचरा थोड़ा बहुत हो जाता है, जानते हो नदी क्या करती है, उसको किनारे पर छोड़ देती है। देखा है कभी? तो नदी खुद अपनी सफाई कर लेती है, बस इंसान घुस घुस के गंदा करता रहता है और फिर कहेगा हम सफाई करेंगे, हम बड़े आदमी, हमने गंगा साफ कर दी। दो चार दिन पहले एक पोस्ट आया था, कोशिश छोड़ो सहज करो आपका मेल से। तो सर हमें अक्सर कोई काम करते हैं तो ये बताया जाता है उस काम में सफलता मिले या ना मिले तो हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सर आपका पोस्ट आया था कोशिश छोड़ो सहज करो, इससे कुछ ये सवाल कोशिश कर करके पूछ रहे हो? हाँ, कोशिश कर करके पूछ रहे हो, जोर लगा के हईशा सर आपका पोस्ट आया था, ऐसे कोशिश कर करके पूछा या सहज से पूछ लिया? बोलो। तो यही तो कह रहा हूँ, कोशिश क्या करनी है, करना तो कर डालो, शांत रहो, सहज रहो, सरल रहो, साधारण रहो, जो हो रहा है होने दो, और अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो। कोशिश क्या क्या मतलब है? कोशिश का मतलब है अहंकार, कोशिश का मतलब है कर्ता भाव। हम प्रयत्न कर रहे हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं, तुम्हें प्रयत्न की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ महत्वपूर्ण है वो अप्रयत्न से होता है। कितने लोग प्रयत्न कर करके खाना पचा रहे हो? दोपहर में खाया था? हाँ, कितने लोग उसको डंडा डाल डाल के पचा रहे हो मुंह में? हाँ, कि ले गया पच कर रहे हो? और अगर करने ही लग जाओ कि आज अपनी कोशिशों से खाना पचाएंगे तो क्या होगा? पच सकता नहीं, उस दिन नहीं पचेगा। रोज भले पचता हो, जिस दिन तुमने कोशिश करके पचाया उस दिन नहीं पचेगा। कितने लोग दिल को कोशिश कर करके धड़का रहे हो? धड़क अभी भूल भी जाओगे धड़काना। तो साहब की मौत कैसे हुई? अरे वो कोशिश करना भूल गए थे, बोलने जा रहे थे कि धड़क, उससे वाले नींद आ गई, सो गए। जैसे हमारे टीचर कुछ होते हैं जैसे कहते हैं अपने आप कर लें, और हम उसके लिए प्रयत्न करते हैं कि हाँ ये हम कर, मैं करके जाऊँ, हमारे लिए सही है, तो ऐसी चीज़ें प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करना नहीं चाहिए, अगर वो काम वाकई कीमती है तो प्रयत्न अपने आप हो जाएगा, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब हम कर लेंगे बस, हो जाएगा बस, कर लेंगे और हो जाएगा बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कर लेंगे में ये भाव है कि मुझे करना है, और अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे अहंकार को तुष्टि भी मिलेगी उसमें, मैंने कर डाला। हो जाएगा में ये भाव है कि होने देना है, ठीक है, विकल्प क्या है, ठीक है, हो नहीं है। मैं अभी तुम्हें उत्तर प्रयत्न से नहीं दे रहा हूँ, सहज रूप से दे रहा हूँ। हाँ, तुम्हें उत्तर दे रहा हूँ, अब दिन भर से बोला है तो मेरे गले पे जोर पड़ रहा है, निश्चित रूप से पड़ रहा है। कोशिश अपने आप हो रही है, श्रम हो रहा है पर अपने आप हो रहा है, मैं कर नहीं रहा, मैं तो सहज हूँ। बात थोड़ी नाजुक है, समझो, पकड़ो। मैं क्या हूँ? सहज, पर श्रम अपने आप हो रहा है, कोशिश करनी नहीं पड़ रही, जो काम है वो अपने आप हो रहा है। हाँ, अब उसमें जो थकान होनी है वो होगी, कुछ कैलोरी लग रही होंगी, लगेंगी, वो सब हो ही रहा है। समझ रहे हो ना बात को?